इन होटल्स में जनरली जब भी आप ब्रेकफास्ट करने आते हैं, सपोज आई वाज मेकिंग वीडियो, एक हजार आबे तो आप कभी पैलेस में अंदर जाने के लिए लाइन में लग गए हैं? ओनली फॉर टर्किश सिटीजंस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर्स? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सुल्तान अहमद इस्तांबुल में हमने कल रात ये होटल लिया था और इसके रूम में नाइट स्पेंड करके हम आज चेकआउट कर देंगे। अभी नीचे जाएंगे, चूँकि हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था तो हम नाश्ता करेंगे और तोप कभी पैलेस की तरफ जाएंगे। तोप कभी आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम का विज़िट हमने लास्ट व्लॉग में कर लिया था। तोप कभी पैलेस और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम दोनों की लोकेशंस थोड़ी सेपरेट हैं। इन होटल्स में जनरली जब भी आप ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो सेल्फ सर्विस होती है, आपको खुद ही चीज़ें डालनी पड़ती हैं। चीज़ें उन्होंने बुफे लगाया होता है और आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल लेते हैं। नमी आ गई, लास्ट टाइम आई सपोज आई वॉज मेकिंग वीडियो, आई फॉरगॉट टू ऑन द बटन। थैंक यू। नाश्ता करने के बाद हम लोग थोड़ी सी वॉक करते हुए इलाके का जायज़ा लेते हुए टॉप कपी पैलेस की तरफ मूव करेंगे। वो सामने टॉप कपी पैलेस की दीवार हमें नज़र आ रही है, काफ़ी बड़ा एरिया है इस पैलेस का। ऐसे भी टोपियां पहिया ने रेट पूछा। नहीं किधर आबे यूज़ ले रहा। इधर गल सुन दे, उधर 100 लीरे दी दे रहे, मैं पूछ पा के देख लूं।
वो क्यों 200 दे दे रहे हैं? मैनू तो एको जी लगदी है सारी। No Turkish. Yes. Real color. Okay, no problem. Real color. प्रॉब्लम हो रही है सेल नहीं होंगी चलिए जा ਕਿੰਨੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ 100 ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ 800 ਯਾ ਆਪੇ ਐਲੇ ਐਲੋ ਨਾ ਸਿਰਦਰਾ ਐਲੋ ਨਾਰਮਲ ਟੂਰਿਸਟਿਕ 130 120 ਇਹ 100 ਲੀਰਾ ਵਾਲਾ मेरे ख्याल ना तोप कभी पैलेस का रस्ता है इतों ही क्योंकि उन्हें मैं बंद ने कल किया सीधा चले जाओ आज हम बैक साइड से आए हैं तो ये आया सोफिया की बैक साइड बड़ा ख़ूबसूरत यहाँ से इसका नज़ारा और ये सारी दीवार आपको नज़र आ रही है ये जो पैलेस की है दीवार एक किले नुमा बिल्कुल जिस तरह होती है Thank you.
हम लोग तोपकपी पैलेस में अंदर जाने के लिए लाइन में लग गए हैं। ये भी पैलेस में नहीं जाएंगे, अंदर सराय में जाएंगे। बहुत बड़ा कंपाउंड है, उसे क्रॉस करके आगे फिर पैलेस आता है। यहाँ से एंट्री फ्री है, लेकिन पैलेस की एंट्री जो है वो फ्री नहीं है, आपको टिकट लेके अंदर जाना पड़ता है। ये रास्ता सीधा पैलेस की तरफ लेके जा रहा है। ये बहुत वसी कंपाउंड है, काफ़ी ग्रीनरी है अंदर, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है इसको। कैफे एंड रेस्टोरेंट का वाल तो ब्रेकफास्ट लंच बोले यमी और गो तो अक्षा में यमी सो किसी से क्लास सजा किसी से क्लास सलेब सिल्वर थाने अंदर मा ये यहाँ पहले एक बूथ है, हम समझे कि इधर से मिल जाएगी टिकट, लेकिन गौर करने में पता चला कि ये सिर्फ टर्किश सिटीजन्स के लिए है, हमारे लिए आगे से है। मेरे ख्याल टिकट सेंटर है, लेकिन ऐ तो 60 रुपये की टिकट है, ओनली फॉर टर्किश सिटीजन्स। टर्किश सिटीजन्स है टिकट। ठीक है, मेरा ख्याल तुम जाओ फिर। चेक करो जरा, चलो ना सब पिता वापस आ जाएगा। एक 420 की टिकट है, एक 320 दी है, उनको फर्क ना पता है किसको नहीं पता। तो कभी इस हिस्से पे एक चीज नहीं कमी है, लिखे है ना यार। ऑडियो गाइड भी है, एनएचएक्स सेलेक्ट करो, ऑडियो गाइड तो फ्री है ना। सर्विस कॉल ना जैसे से सी कार्ड दिख रहा ना 36। पीछे टिकट्स के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि आप इस मशीन से भी टिकट इशू करवा सकते हैं, तो फिर लाइन से निकल के हम लोग इधर आ गए ताकि मशीन के ज़रिए हम लोग टिकट ले सकें। डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड्स यूज़ हो सकते हैं, मेरे पास डेबिट कार्ड है तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें टिकट्स इशू हो जाएं ताकि लाइन में ना लगना पड़े, यहाँ से ही हमें मिल जाएं। पिछली मशीन मसला कर रही थी, ये दूसरी मशीन पे आए हैं, उम्मीद है यहाँ से हमें मिल जाएंगी। स्वाइप करना है। किस तरह? ये नहीं पता। एंटर करें। ओके। Yeah.
आगे आज आज सर आगे ही टिकट है। मैं ये टॉप कर पे पैलेस के टिकट्स जो हैं वो कार्ड मशीन के थ्रू भी ले जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, लगता है कि अंदर जाने के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, अगले व्लॉग में अंदर का टूर देंगे आपको इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।